हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने भी कोई LIC पॉलिसी ली हुई थी और जब आपकी मैच्योरिटी आई है तो वो मैच्योरिटी को लेने के लिए आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि या फिर आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है उस पर नाम आपका कुछ और है, यानी कि कुछ नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है और आपके जो आधार कार्ड है उस पर कुछ और नाम है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ अंतर आ रहा है या फिर आपके एड्रेस में कुछ अंतर आ रहा है। तो इस केस में आपको किस तरीके से अपनी मैच्योरिटी को लेना है, आज की वीडियो में हम लोग यही बातों को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और नॉलेज देने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग कुछ कमेंट करके हमसे पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब भी आप अपनी पॉलिसी लेते हैं, यानी कि आपने अपनी पॉलिसी कभी ली होगी 15-20 साल पहले, लेकिन अब आपके नाम में, यानी कि जब आपका आधार कार्ड है, आपका नाम आपके पॉलिसी बॉन्ड से मैच नहीं हो रहा है, कुछ स्पेलिंग का वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है और या फिर आपका आधार कार्ड आपके पॉलिसी बॉन्ड से बिल्कुल ही अलग है, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एड्रेस की। अगर एड्रेस आपकी पॉलिसी में कुछ और है और आपके आधार कार्ड में कुछ और है तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपकी मैच्योरिटी आती है तो उस समय में आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि ब्रांच में जमा करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका कैंसिल चेक या फिर पासबुक, प्लस आपको मैच्योरिटी का जो फॉर्म है वो आपको ब्रांच में उसको फिल करके उसको जमा करना होता है। और सपोज़ अगर आपने इन चीज़ों का, यानी कि अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, अगर ये आपने अपने पॉलिसी बॉन्ड से मैच नहीं किया तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस केस में होगा ये कि जब आपकी चीज़ें मिसमैच होंगी, मैच नहीं होगी, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि आपकी मैच्योरिटी डिले हो जाएगी, आपका जो केस है वो बिगड़ सकता है और आपको काफ़ी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मैच्योरिटी दिलवाने के लिए अगर कोई एजेंट आपके टच में है तब तो वो इन सारी चीज़ों को बखूबी देख लेगा, लेकिन अगर आपके टच में कोई भी एजेंट नहीं है और आपकी मैच्योरिटी आप खुद ही उसको जमा करना चाहते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर दूसरे दिन ब्रांच जाकर अपने केस की, अपने मैच्योरिटी की अपडेट लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी मैच्योरिटी आती है तो आपको अपनी सारी जो पॉलिसी बॉन्ड पर चीज़ें लिखी हुई हैं उससे अपने डॉक्यूमेंट्स को मैच कर लेना है कि क्या मेरा आधार कार्ड पर वही नाम है जो कि मेरा पॉलिसी बॉन्ड पर नाम है। दूसरा, आपको चेक करना है क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पर वही है जो मेरे पॉलिसी बॉन्ड पर मेरी डेट ऑफ बर्थ है। और तीसरा, आपको चेक करना है क्या आपके आधार कार्ड में वही एड्रेस है जो आपके पॉलिसी बॉन्ड पर एड्रेस था। तो फ्रेंड्स, अगर ये तीनों ही चीज़ें आपके फुलफ़िल हो जाती हैं और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मेरी ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ही सही हैं और मैं मैच्योरिटी के लिए क्लेम कर सकता हूँ, तब आप मैच्योरिटी का फॉर्म लेकर सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके ब्रांच में जमा करवा सकते हैं और 15-20 दिन के अंदर आपकी जो मैच्योरिटी है वो आपके खाते में, यानी कि बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, सपोज कीजिए कि जब आपने पॉलिसी ली थी उस टाइम पे आपका एड्रेस कुछ और था लेकिन आज के समय में आपके आधार कार्ड पर दूसरा ही एड्रेस है, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आपको ये चीज़ें पहले ही देख लेनी है, यानी कि अगर आपकी मैच्योरिटी आने में 2 महीने बाकी हैं तो अभी ही आपको सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेना है, क्योंकि एंड मोमेंट पर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि 10-15 दिन पहले ही आप इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हो जाएँ, तो लगभग 1-2 महीने पहले आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड पे आपका एड्रेस अलग है और पॉलिसी बॉन्ड पर आपका एड्रेस अलग है तब आपको क्या करना है।
तो फ्रेंड्स इस केस में आपका अगर एड्रेस में थोड़ी बहुत मिस्टेक है या कुछ भी है ए टू जेड, मान लीजिए पूरा के पूरा ही एड्रेस अगर आपका चेंज है, तब आपको क्या करना है, तब आपको बनवाना होगा एक एफिडेविट। आपका एफिडेविट कहाँ से बनेगा दोस्तों? आपके घर के आसपास ऐसे साइबर कैफे होंगे या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ की जो एडवोकेट होते हैं उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा होता है, जहाँ पर कि वो रेंट एग्रीमेंट और काफ़ी सारे काम करते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और एफिडेविट बनाते हैं, कई तरीके के एफिडेविट बनवाते हैं वो लोग, और कई बार बर्थ सर्टिफिकेट भी वो लोग बनाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके नियर बाय ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कि ये काम होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको एफिडेविट बनवाना है किस चीज़ का, कि आपके पॉलिसी बॉन्ड पर और आपके आधार कार्ड पर एड्रेस अलग है, इस चीज़ का आपको एफिडेविट बनवाना है। दोस्तों ये तो हो गई हमारी पहली चीज़। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पॉलिसी बॉन्ड पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच है, यानी कि आपके आधार कार्ड पर कुछ और है, आपके पॉलिसी बॉन्ड पर कुछ और है, तो ऐसे केस में भी आपको दिक्कत हो सकती है, तब आपको क्या करना है दोस्तों? इस केस में भी आपका एफिडेविट ही बनेगा, यानी कि आपको क्या करना है, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवाना है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करते हैं हमारे नाम की, यानी कि अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग का अंतर आ रहा है और या फिर आपके सरनेम में कुछ अंतर आ रहा है, सपोज कीजिए आपका नाम है रवि किशन, लेकिन आपके पॉलिसी बॉन्ड पर रवि किशन है लेकिन अब आपके आधार कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ रवि है, तो ऐसे आपको अगर दिक्कत आ रही है ऐसे भी, तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा। आपका एफिडेविट से कब कब काम चलेगा? तीन सिचुएशन में। पहली सिचुएशन, अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आ रही है तब आपका एफिडेविट बनवाने से आपको आपकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपका सरनेम ऐड है और या फिर आपका सरनेम पॉलिसी बॉन्ड पर था लेकिन आपके आधार कार्ड पर नहीं है, तो उस केस में भी आपका एफिडेविट चलेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आपका एफिडेविट बनेगा, प्लस अगर आपका एड्रेस भी अलग है तब भी आपका एफिडेविट बनेगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल ये होगा, क्या इन तीनों के लिए हमें अलग अलग एफिडेविट बनवाना होगा और या फिर एक ही एफिडेविट में हम ये तीनों चीज़ें ऐड करवा सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी में एक कमी है तो भी आपका एक एफिडेविट बनेगा, अगर आपकी पॉलिसी में तीन कमी है तब भी आपका एक ही एफिडेविट बनेगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी पॉलिसी में क्रॉस चेक करनी होंगी कि आपकी पॉलिसी में यानी कि पॉलिसी बॉन्ड में कौन कौन सी चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। अब दोस्तों आपके मन में एफिडेविट के लिए भी काफ़ी सवाल होंगे, एफिडेविट कैसे बनेगा, क्या करना है, क्या इसका फॉर्मेट होता है? तो वैसे तो जो जहाँ से आप बनवाएंगे वही आपको सारी चीज़ें फॉर्मेट वगैरह सब बना के देते हैं, उसका ही आपसे वो चार्ज लेते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप लोग फॉर्मेट जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको एफिडेविट का लिंक दे दूँगी, जिससे कि आपको कुछ हद तक हेल्प हो जाएगी। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट क्लियर हुआ हो, यहाँ तक की वीडियो समझ में आई हो। दोस्तों अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों इसके आगे की भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों सपोज़ कीजिए कि आपका नाम पूरी तरीके से ही अलग हो चुका है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपका नाम था हरि किशन, अब आपने अपना नाम कर दिया है हरि राम, तो उस केस में आपके साथ क्या होगा? फ्रेंड्स इस केस में होता ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपना पूरा के पूरा नाम ही चेंज कर देता है, दोस्तों नाम चेंज करने के भी कई रीज़न होते हैं, कई बार कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर की बातों में आके अपना कुछ नाम चेंज करवा देते हैं, जैसे कि आपके लिए ये चीज़ लकी है वो चीज़ लकी है, तो इस तरीके से नाम चेंज करवा देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग अपना पूरा के पूरा नाम ही चेंज करवा देते हैं, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स आपको एडवर्टाइजमेंट देना होता है न्यूज़पेपर में, और जो वो न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसकी कटिंग आपको क्या करनी होती है, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं प्रिपेयर किए हैं उनके साथ अटैच करना होता है। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ है जो आपको प्लस करनी होती है अगर आपका नाम पूरा के पूरा ही अलग है। तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी से जुड़े हुए कुछ सवाल जिनका कि मैंने जवाब देने की आपको इस वीडियो में कोशिश की है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है और जिसका जवाब अब तक आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं,
और फ्रेंड्स मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इस नॉलेज की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और खुशियों को बांटते भी रहिए। बाय फ्रेंड्स।